start with a new chapter for class 10th, that is heredity and evolution. This is chapter number 9 from the biology part, and the topics to be covered in this chapter, that is what is heredity, variation, genetics, types of cells, who is the father of genetics, contrasting features, what are the laws of dominance, law of unit character, law of independent assortment, sex determination, evolution, and the last topic of this chapter is the Darwin theory regarding the evolution. So all these concepts, all these topics are to be covered in this chapter, that is the heredity and the evolution. तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उनकी रिजेम्बलेंस जो होती है वो उनके पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा होती है. मैक्सिमम फीचर्स जो होते हैं या उनके करेक्टर्स जो होते हैं दे आर टोटली रिजेम्बल टू देयर पेरेंट्स. तो ये क्या कारण है, किस वजह से उनके करेक्टर्स जो होते हैं या उनके फीचर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स के साथ मिलते हैं. सपोज करो अगर फैमिली में पेरेंट्स है तो उसके जो बच्चे होंगे आगे उनके, तो उनके बच्चों के जो फैक्टर्स होंगे वो ऑलमोस्ट जो होंगे वो उनके पेरेंट्स के साथ मिलते जुलते होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम कलर लें हेयर्स का, तो कलर हेयर्स का जो होगा वो कुछ हद तक उसकी रिजेम्बलेंस जो होगी उसके पेरेंट्स के साथ होगी. आईज का कलर होगा तो उसकी रिजेम्बलेंस जो होगी वो मैक्सिमम उसके पेरेंट्स के साथ होगी. कुछ और ऐसे मैक्सिमम फैक्टर्स हैं जिनकी रिजेम्बलेंस जो होगी वो उनके पेरेंट्स के साथ होगी. और कई बार क्या होता है कि जैसे हम एक ग्रुप में हैं, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स हैं या कुछ है तो उनके साथ हम देखते हैं, तो सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल होने के बावजूद भी जो करेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिमिलर नहीं होते हैं. दैट मीन्स देयर इज नो रिजेम्बलेंस, देयर इज नो सिमिलैरिटी ऑफ द करेक्टर्स बिटवीन दैट चाइल्ड एज वेल एज अदर पीपल ऑफ द लोकेलिटी. तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जहां पर हमें ये चीज देखनी है, और इसी चीज को देखने के लिए आज हम चैप्टर शुरू करें, दैट इज द हेरिडिटी एंड द एवोल्यूशन. सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. सो वी हैव ऑलवेज सीन दैट देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन अस एंड अवर पेरेंट्स. जो मैंने अभी चीज कही कि कई बार हम मैक्सिमम देखते हैं कि वी हैव ऑलरेडी सीन दैट मैक्सिमम फीचर्स, मैक्सिमम करेक्टर्स ऑफ अवर पेरेंट्स रिजेम्बल टू अस, क्योंकि वो हमारे साथ जो थे वो मिलते जुलते हैं. ऑल्सो लॉट ऑफ द सिमिलैरिटीज, जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम जो फीचर्स हैं या मैक्सिमम फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पेरेंट्स के साथ रिजेम्बल ही करेंगे. बट देयर आर सम डिसिमिलैरिटीज बिटवीन अस एंड अवर फ्रेंड्स, पर कुछ डिसिमिलैरिटीज भी होंगी हमारे बीच में और हमारे फ्रेंड्स के बीच में, और एनी पीपल या फिर किसी और लोगों के साथ जो होगी वो हमारी क्या होगी, डिसिमिलैरिटीज होंगी. Who don't belong to our family, जो कि हमारी फैमिली से बिलोंग नहीं करेंगे. विद इन सेम फैमिली हम देखें तो मैक्सिमम फैक्टर्स जो होंगे वो या फीचर्स जो होंगे वो तो रिजेम्बल करेंगे हमारे साथ, पर अगर हम अदर हम अपने फ्रेंड्स के बारे में डिस्कस करें या अदर पीपल जो किसी और लोकेलिटी के हैं तो उनके साथ अगर हम अपने फीचर्स की, अपने करेक्टर्स की अगर हम रिजेम्बलेंस करें तो मैक्सिमम वहां पर क्या होगी, डिसिमिलैरिटी होगी. दिस इज ड्यू टू एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना. और ये डिसिमिलैरिटीज क्यों है, क्या कारण है कि जो मैक्सिमम फीचर्स होते हैं, करेक्टर्स होते हैं वो फ्रेंड्स के साथ या किसी दूसरे पीपल के साथ वो नहीं मिलते जुलते हैं, तो दिस इज ड्यू टू एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना. वो एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, दैट इज द हेरिडिटी. वो कौन सा कंसेप्ट है, हेरिडिटी. तो हेरिडिटी जो है इसमें क्या है कि मैक्सिमम जो फीचर्स होंगे या करेक्टर्स होंगे दैट आर रिजेम्बल्स टू अवर पेरेंट्स, बट सम फीचर्स एंड करेक्टर्स दोज बिलोंग टू अवर फ्रेंड्स दे आर डिसिमिलर. उसमें हमारी क्या होगी, वो डिसिमिलैरिटी होगी. एंड दिस इज ओनली ड्यू टू एन इंटरेस्टिंग फिनोमेनन दैट इज द हेरिडिटी. तो अब हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी इज द फिनोमेनन ऑफ ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स. हेरिडिटी क्या है, इट इज द फिनोमेनन ऑफ ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. यहां पर जो है वो करेक्टर्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है कहां से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में. सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज अ हेरिडिटी. अब वेरिएशन क्या है, द डिफरेंसेस शोन अमंग द इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल में जो हमें डिफरेंसेस दिखते हैं ऑफ द सेम स्पीशीज, चाहे वो सेम स्पीशीज के हैं, जैसे इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज का कि जैसे हमारे फ्रेंड्स ही हैं, तो उसमें क्या है, मैक्सिमम हमारे फीचर्स या करेक्टर्स में क्या होगा, उन फ्रेंड्स के साथ क्या होगा, डिसिमिलैरिटी होगी. सपोज करो अगर एक फ्रेंड जो है वो गोरा है तो दूसरा जो होगा वो काला होगा, दैट मीन्स देयर इज अ डिसिमिलैरिटी बिटवीन द कलर्स ऑफ द टू फ्रेंड्स. तो वहां पर जो होगी एक डिसिमिलैरिटी होगी उनके कलर के बीच में,
दो फ्रेंड्स के बीच में, तो वो सेम स्पीशीज के होंगे और हिज डिफरेंस इज एक्सिस्टेड बाय ऑफस्प्रिंग्स एज कंपेयर टू हिज पेरेंट्स. तो वेरिएशन जो है दैट इज द डिफरेंस, डिसिमिलैरिटी. वेरिएशन में जो है वो करेक्टर्स के क्या है, वेरिएशन है, डिसिमिलैरिटी है. जबकि हेरिडिटी में जो है देयर इज अ सिमिलैरिटी ऑफ द करेक्टर्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग्स. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हेरिडिटी एंड द वेरिएशन. अब इन्हीं चीजों को आगे लेकर हम चलते हैं जेनेटिक्स. जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी और वेरिएशन की जो स्टडी है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी जो होगी वो क्या कहलाएगी, जेनेटिक्स कहलाएगी. जेनेटिक्स की स्टडी में हम यही चीजें जो है वो पढ़ेंगे कि व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज वेरिएशन. तो दोनों की जब हम स्टडी करेंगे दैट मीन्स दैट कंसेप्ट इज नोन एज द जेनेटिक्स. लेट अस लर्न हाउ इट अकर्स. अब हम यही चीज देखेंगे कि जेनेटिक्स में हेरिडिटी और वेरिएशन जो है वो साइमल्टेनियसली या पैरेलली जो है वो कैसे अकर करते हैं, क्योंकि हेरिडिटी है तो हेरिडिटी के साथ वेरिएशन भी है, वेरिएशन है तो वेरिएशन के साथ हेरिडिटी भी है. तो अब इसी चीज को हम देखेंगे कि ये जो कंसेप्ट है जेनेटिक्स का ये कैसे अकर करता है. तो वी ऑल नो दैट अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. हम सभी जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी जो है दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स. नंबर ऑफ सेल्स को मिलकर हमारी बॉडी जो बनी हुई है दैट मीन्स ह्यूमन बींग जो है दैट इज मल्टी सेलुलर. वो क्या कहलाएगा, मल्टी सेलुलर. क्यों है वो मल्टी सेलुलर, बिकॉज द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. अब नंबर ऑफ सेल्स में बनी हुई है तो इन सेल्स वी हैव न्यूक्लियस. अब हम एक जो है हमने कहा कि जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. ये सेल का स्ट्रक्चर है एंड द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल. एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज द सेल मेम्ब्रेन. सबसे बाहर वाली लेयर जो होगी सेल की वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होती है. अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो हमारा क्या है, ये जो मटीरियल है, फ्लूइड टाइप मटीरियल जो होता है, जहां पर एक हमारा फ्लूइड मटीरियल है, दिस इज नोन एज द साइटोप्लाज्म. तो जो हमारा सेल के अंदर जो फ्लूइड टाइप मटीरियल है उसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म है. दिस इज साइटोप्लाज्म एंड उसके अंदर जो है हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा एक और चीज है दैट इज द न्यूक्लियोलस. इसी न्यूक्लियस के बीच में हमारा जो होता है फ्लू टाइप मटीरियल होता है. अब सेल के अंदर जो मटीरियल होता है फ्लू टाइप मटीरियल उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं और जो न्यूक्लियस के अंदर हमारा फ्लू मटीरियल होगा दिस इज नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म. दोनों सेम है, साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूड मटीरियल है, पर डिफरेंस इतना है कि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इस वजह से हम उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे. और जो सेल के अंदर हमारा फ्लूड मटीरियल होगा दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म. अब यहाँ पर नंबर ऑफ सेल के अंदर हमारे नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है. अब दिस इज अ लाइसोसोम. लाइसोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट मटीरियल को जो होती है वो बाहर निकालती है. उसके बाद हमारे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर राइबोसोम्स है. एंड तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दैट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. उसके बाद हमारा जो है सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम्स हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज द एनर्जी प्रोवाइडिंग. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्स है. एंड नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द सेल. अब यही चीजें जो है न्यूक्लियस के अंदर हमारे जो थे वो थ्रेड लाइक जो थे वो क्रोमेटिन मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक. अब इस थ्रेड लाइक मटेरियल को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन. ये क्या कहलाएगा, हमारा क्रोमेटिन कहलाएगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. तो इन सेल्स वी हैव न्यूक्लियस. सेल के अंदर हमारा क्या है, न्यूक्लियस है दैट हैज क्रोमेटिन मटीरियल. और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमेटिन मटीरियल है विच फर्दर कौन सा मटीरियल न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमेटिन मटीरियल. और वो फर्दर कंडेंस कर वो क्या बनाता है, रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है. यही जो क्रोमेटिन मटीरियल होगा वो फर्दर कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस होकर वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा कंडेंस होकर रिबन शेप क्रोमोसोम्स को बनाएगा, रिबन शेप क्रोमोसोम्स. तो उसके बाद क्या है, दीज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए. और यही क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फर्दर कंडेंस होकर वो क्या बनाते हैं, रिबन शेप क्रोमोसोम्स बनाते हैं. अब ये क्रोमोसोम्स जो है किस चीज के बने हुए, डीएनए के बने हुए. डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो ये जो हमारे क्रोमोसोम्स है ये किस चीज के बने हुए, डीएनए के बने हुए या फिर प्रोटीन्स के बने हुए. एंड दे ऑल्सो हैव सर्टन स्मॉल सेगमेंट्स. और इनमें हमारे
सर्टेन स्मॉल सेगमेंट्स होती हैं उनके ऊपर जिनको कि हम क्या बोलते हैं जीन्स। इन्हीं हमारी क्रोमोसोम जो कि हमने कहा कि ये जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल अगर फर्दर कंडेंस होकर वो क्या बनाता है रिबन शेप स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और यही फिर इन क्रोमोसोम्स के ऊपर सर्टेन सेगमेंट्स जो होते हैं हमारे प्रेजेंट होते हैं और उन सर्टेन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं जीन्स कहते हैं। और यही जीन्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर। अगर हमारी बॉडी में वो जीन्स प्रेजेंट नहीं है That means we can't transfer the characters from the parents to the offspring. और यही genes है only with the help of these genes there is a transference of characters from parents to the offspring. इन्हीं genes की वजह से जो characters है parents के वो transfer होते हैं offspring में और generation to generation जो होते हैं वो characters pass out होते रहते हैं। The chromosome number is fixed. ये जो chromosome number है वो क्या है उस chromosome number किसी भी species में जो chromosome number है that is fixed. In every species the chromosome number is fixed that is 23 pairs. अब ये किसी भी हमारी body में जो cells है अब cells में जो हमारे chromosomes number है वो क्रोमोसोम नंबर्स क्या है फिक्स्ड हैं और उन क्रोमोसोम्स नंबर का जो नंबरिंग है हर सेल में वो कितने हैं 23 पेयर्स में एक्सेप्ट सेक्स सेल्स को छोड़कर। सेक्स सेल्स को छोड़कर उसमें हमारे जितने भी सेल्स हैं उसमें जो नंबर है उनका क्रोमोसोम्स का वो कितना है 23 पेयर्स। सेक्स सेल्स हमारे आपको पता है ये कौन से हैं स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म एंड ओवम इनमें जो होता है वो हमारा 23 होता है इसमें पेयर्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट किस चीज में सेक्स सेल्स में जबकि अदर ब्रेस्ट सेल्स जो है वहां पर हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे दैट इज 23 + 23 जो 46 क्रोमोसोम जो होंगे वो हमारे एग्जिस्ट करेंगे। तो जो नंबर है हमारा क्रोमोसोम्स का हर एक स्पीशीज में दैट इज फिक्स्ड एंड दिस इज 23 इन पेयर्स एक्सेप्ट द सेक्स सेल्स। तो अभी हमने कहा कि सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी जो बनी हुई है नंबर ऑफ सेल्स हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी बनी है इस विभाग पर हम जो है वो क्या कहलाते हैं मल्टी सेलुलर। द सेल्स इन अवर बॉडी आर जनरली ऑफ टू टाइप्स जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो जनरली कितने टाइप्स के हैं टू टाइप्स के हैं नंबर वन सोमेटिक सेल्स एंड नंबर टू सेक्स सेल्स। सोमेटिक सेल्स दे आर ऑल्सो नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्स एंड सेक्स सेल्स में कौन से होते हैं स्पर्म एंड एग। जो हमारे सोमेटिक सेल्स होते हैं इन अवर सोमेटिक सेल्स देर आर 23 पेयर्स। सोमेटिक सेल्स में हमारे कितने पेयर्स हैं 23 पेयर्स हैं। सपोज दिस इज द सोमेटिक सेल तो ये किस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सोमेटिक सेल्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर्स they are always exist in the pairs. Always exist in the pairs. But in our sex cells को हम gamete cells भी बोलते हैं they are only 23 number. ये pair में नहीं है these are not present in the pairs. They are not present in the pairs. But they are only 23 in number. So these somatic cells are and these are the gamete cells or sex cells. So जो हमारे somatic cells हैं, somatic cells are always occur in the pairs. ये हमेशा pair में occur करेंगे. Whereas gametic cells or the sex cells, they are only 23 numbers. There are 23 pairs. ये pairs में present होंगे, जबकि ये सिर्फ 23 in number. ये 23 नंबर है इनका तो बट नॉट इन पेयर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सोमेटिक सेल्स एंड द गैमेट सेल्स। सोमेटिक सेल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर्स वेयर एज गैमेट सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द पेयर्स बट दे आर प्रेजेंट ओनली इन द फॉर्म ऑफ 23 नंबर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो कैसे जो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है वो कैसे किस तरह से जो है वो फ्यूज करते हैं। तो सपोज ये हमारे स्पर्म फर्टिलाइजिंग एग है और उसमें हमारे स्पर्म्स और ओवा हैं तो स्पर्म और ओवा फॉर एग्जांपल ये हमारा स्पर्म है और दिस इज द एग तो दोनों पर जो हमारा नंबर है वो 23 स्पर्म है और 23 ही हमारे एग है। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएंगे ये 46।
तो 46 जब हमारे क्रोमोसोम्स बन जाएंगे तो ये हमारे क्या है कि हमारे किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जब हमारे स्पर्म और ओवा जो होते हैं और वो न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज करेंगे तो फ्यूज करने के बाद वो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो जाइगोट का जो नंबर होगा उसमें वो कितना होगा, 46 होगा। दैट मीन्स पेयर्स में कितना कर बनेगा, 23 पेयर्स। तो अब जैसे हम होमो सेपियंस हैं तो हमारे में जो क्रोमोसोम नंबर एग्जिस्ट करेंगे वो 23 इन पेयर्स में करेंगे, जबकि एक होमो सेपियंस के लिए जो है वो 23 पेयर्स ही एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम अगर उसको 23 + 23 पेयर्स में करते तो वो कितना बन जाता है, 46, जबकि होमो सेपियंस के लिए जो है वो 46 जो पेयर्स जो वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जबकि होमो सेपियंस के लिए जो है क्रोमोसोम नंबर जो है वो पेयर में जो एग्जिस्ट करता है वो ओनली 23 पेयर। इस वजह से जाइगोट में जो है वो हमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो उतने ही स्टोर करने पड़ते हैं जो कि एक इंडिविजुअलिटी के लिए जरूरी होती है। अब ह्यूमन बींग की जो स्पीशीज होगी वो ह्यूमन बींग को ही प्रोड्यूस करेगी, एनिमल्स की जो स्पीशीज होगी वो एनिमल्स के लिए को ही प्रोड्यूस करेगी। दैट मीन्स हमें क्रोमोसोम्स का जो नंबर है दैट इज 23 पेयर्स वो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। सो दिस इज द स्पर्म फर्टिलाइजिंग एग। जब स्पर्म फर्टिलाइजिंग एग, स्पर्म और एग जब आपस में न्यूक्लियस में जो फ्यूज कर जाते हैं तो फ्यूज करने के बाद वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हेन स्पर्म एंड एग फ्यूज फॉर्म जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के दौरान जब हमारे स्पर्म और एग जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो फ्यूज करने के बाद वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं एट दैट टाइम। और फ्यूजन के दौरान जब हमारा जाइगोट बन जाता है तो उस दौरान क्या होता है, बोथ ऑफ देम कंट्रीब्यूट 23 क्रोमोसोम ईच। तो दोनों जो होते हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 23 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। द जाइगोट फॉर्म, अब जो जाइगोट हमारा बनेगा वो इनहेरिट्स करता है कितना, 46 क्रोमोसोम्स को। अब जो हमारा जाइगोट बना, अब जाइगोट ने जो हमारे क्रोमोसोम नंबर जो इनहेरिट किए वो कितने किए, 46 क्रोमोसोम किए। दैट मींस पेयर्स में कितना एग्जिस्ट करेगा, वो 23 पेयर्स में एग्जिस्ट करेगा, जो कि होमो सेपियंस के लिए जो है वो क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो कितना है, 46 और 23 पेयर्स में। द क्रोमोसोम दैट पास फ्रॉम पेरेंट्स हैव जीन। अब ये क्रोमोसोम्स जो हमारे पास करते हैं पेरेंट्स में, तो इन क्रोमोसोम्स के पास करके जीन्स होते हैं। दैट मींस द क्रोमोसोम्स दैट पास फ्रॉम पेरेंट्स दे हैव ऑलरेडी जीन्स ऑन देम। और यही जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, विच वी नो इट इज अ यूनिट ऑफ द हेरिडिटी, क्योंकि यही जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, करेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, ड्यूरिंग मेटिंग। अब हमने ये जो है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो है, सपोज ये हमारा जो क्रोमोसोम है, एक फादर का क्रोमोसोम है, एक जो है वो मदर का क्रोमोसोम है। जब ये आपस में जो है वो ओवरलैप करेंगे तो एक जो क्रोमोसोम होगा फादर का और मदर का जो क्रोमोसोम होगा, फादर और मदर के क्रोमोसोम जो है वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। यहां पर ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करने के बाद क्या होगा, कुछ करेक्टर्स जो होंगे मदर में वो फादर के आ जाएंगे और फादर में जो कुछ करेक्टर्स होंगे वो किसके आ जाएंगे, मदर के आ जाएंगे। जब ये दोनों क्रोमोसोम आपस में ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने के बाद कुछ करेक्टर्स जो होंगे वो फादर के जो होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे मदर में और मदर के जो कुछ करेक्टर होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे फादर में। दैट मींस वहां पर जो इंटरमिक्सिंग हो जाएगी किस चीज की, करेक्टर्स की, फादर से के कुछ करेक्टर जो होंगे मदर में ट्रांसफर हो जाएंगे और मदर के जो होंगे वो कुछ करेक्टर जो होंगे वो फादर में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, ड्यूरिंग मेटिंग, जब मेटिंग होगी ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ऑल्सो अंडरगो फिनोमेनन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये जो हमारे क्रोमोसोम्स होंगे ये किस फिनोमेनन के अंदर जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर के। और यही क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो क्या कॉज करती है, ब्लेंडिंग ऑफ द करेक्टर्स। अब ये क्रॉसिंग ओवर से क्या हुआ, जो फादर और मदर के करेक्टर्स जो थे वो क्या हो गए, ब्लेंड हो गए। ब्लेंडिंग होने से कुछ करेक्टर जो थे फादर के वो मदर में चले गए और मदर के कुछ करेक्टर जो थे वो फादर में चले गए। That is the reason offspring has few characters. इस वजह से यही कारण है कि जब ब्लेंडिंग होती है फादर और मदर के करेक्टर्स की, तो उस वजह से जब हमारा ऑफस्प्रिंग बनता है तो ऑफस्प्रिंग में जो कुछ करेक्टर्स होते हैं वो कुछ करेक्टर फादर के आ जाते हैं और कुछ करेक्टर जो होते हैं वो मदर के आ जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो नए करेक्टर जो होते हैं उसमें जनरेट हो जाते हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। The whole concept of heredity has been explained. अब ये सारा का सारा concept जो था heredity का, that is given by a scientist. एक scientist ने उसको explain किया था, ये सारे के सारे concept को heredity के, that is
ग्रेजुएट जॉन मेंडल, किसके द्वारा दिया गया था, जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया था, जिनको कि हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट मींस जॉन मेंडल इज नोन एज, वाज नोन एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, क्योंकि हेरिडिटी का जितना भी कंसेप्ट था, ऑल द कंसेप्ट, होल ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द हेरिडिटी वॉज एक्सप्लेन्ड बाय जॉन मेंडल। तो ही एक्चुअली परफॉर्म्ड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। जो जॉन मेंडल थे, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स थे हेरिडिटी के, उन्होंने एक्चुअली परफॉर्म किए थे वेरियस इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट, क्योंकि इन्होंने हेरिडिटी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ही हैव टू बी डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फॉर द क्लियरेंस ऑफ द हेरिडिटी कंसेप्ट। तो अभी हमने कहा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो थे वो जॉन मेंडल थे, और उन्होंने जो है वो वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए थे किस चीज के लिए, फॉर द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी, हेरिडिटी के ऊपर स्टडी करने के लिए उन्होंने लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट जो थे उनके ऊपर स्टडी की। फॉर दिस ही टुक एन एक्सपेरिमेंट, उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट्स लिए, ठीक है, और स्पेशल एक एक्सपेरिमेंटल प्लांट जो है वो टेक ओवर किया। तो जो जॉन मेंडल थे, इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो काफ़ी पुअर था, और बचपन से ही ये फादर के साथ जो थे वो एनिमल हस्बेंड्री एज वेल एज जैसे प्लांट ब्रीडिंग, वहाँ जाकर ये काम करते थे, तो उनको जो है वो काफ़ी नॉलेज जो था वो उनको बचपन से ही मिल गया था, बिकॉज जो फादर की देख रेख में उन्हें हर चीज़ जो थी वो सीख ली थी। तो पेशे से जो थे वो एक टीचर बनना चाहते थे, तो ठीक फैमिली बैकग्राउंड एक अच्छा सपोर्ट ना होने की वजह से इन्होंने काफ़ी टाइम तक प्रीस्ट में भी एक पादरी के पद पर काम किया, और वहाँ पर उनको एक फील्ड में जो था वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए उनको परमिशन दी गई थी, और वहाँ पर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए। तो इसके लिए स्पेशल उन्होंने जो एक टेक ओवर किया प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल, तो वो प्लांट जो था दैट इज द पी प्लांट, और द बोटेनिकल नेम ऑफ द पी प्लांट इज द पाइसम सेटाइवम। And as he saw a lot of different features, इस पी प्लांट में उन्होंने lot of different features जो थे वो study की उन्होंने, he actually predicated 7 main contrasting factors in it. तो उस पी प्लांट में उन्होंने स्पेशली 7 predicating features को जो है उन्होंने study किया, और various type के उन्हीं 7 type के contrasting features के ऊपर जो है उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर study की। तो लेट अस सम ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स फर्स्ट। तो सबसे पहले हम उस पी प्लांट के जो है कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स को सेटअप करेंगे। पहला का उनका जो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स था वो क्या था, सीड कलर, कलर का सीड जो था वो आइदर या तो येलो था या ग्रीन था। सेकंड कॉन्ट्रास्टिंग फीचर था सीड की शेप, वो कैसी थी, आइदर राउंड और रिंकल। थर्ड कॉन्ट्रास्टिंग फीचर जो था उस पी प्लांट का, दैट इज द पॉड शेप, वो आइदर इन्फ्लेक्टेड थी या फिर कॉन्स्ट्रक्टेड। नेक्स्ट था पॉड का कलर, वो आइदर ग्रीन था या फिर येलो। नेक्स्ट था फ्लावर कलर, आइदर पर्पल था या फिर व्हाइट। नेक्स्ट सिक्स कॉन्ट्रास्टिंग फीचर था फ्लावर एंड पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन क्या थी, फ्लावर कैसा था, आइदर एक्सिलरी था या फिर टर्मिनल। और लास्ट कॉन्ट्रास्टिंग फीचर जो था उस पी प्लांट का, दैट इज द स्टेम लेंथ, वो आइदर टॉल था या फिर ड्वार्फ। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 7 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स ही सिलेक्टेड द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ही सिलेक्टेड पी प्लांट एज एन एक्सपेरिमेंटल प्लांट, उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज उसमें एक तो 7 डिस्टिंक्ट इजिली कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स थे, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किए कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स होने की वजह से या 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होने की वजह से उन्होंने इजिली जो है वो सिलेक्ट कर लिया किसी को पी प्लांट को। दूसरा ये था कि उस पी प्लांट की जो लाइफ साइकिल थी दैट इज वेरी शॉर्ट, वो काफी शॉर्ट थी, इजिली अवेलेबल था ये पी प्लांट, एनुअली हर्ब था ये, मतलब ये पूरा साल 12 महीने जो था वो चलता रहता था। डज नॉट रिक्वायर मच केयर, ज्यादा केयर की जरूरत नहीं थी इस पी प्लांट की। इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, और इस पी प्लांट में जो थे वो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स जो थे प्रोड्यूस होते थे, और इन्हीं करेक्टर्स की वजह से उन्होंने जो है पी प्लांट को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के लिए। उसके बाद इन्हीं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के लिए उन्होंने वेरियस लॉज को जो है वो आगे जनरेट किया, तो ही फॉर्मुलेटेड वेरियस लॉज को उन्होंने फॉर्मुलेट किया। तो पहला लॉ जो था उनका, दैट इज द लॉ ऑफ द यूनिट करेक्टर। अब ये लॉ ऑफ यूनिट करेक्टर क्या था, फॉर ईच करेक्टर देयर इज पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स। अब इस यूनिट करेक्टर के बिहार पर क्या था कि फॉर अ यूनिट करेक्टर उन्होंने ये कहा कि हर एक जीन जो है, ईच जीन हैज अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग
जी हरेक जो हमारा करेक्टर था उस हरेक करेक्टर के पास क्या थी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग जीन्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइट लेते तो टू कंट्रास्टिंग जीन जो थे आर प्रेजेंट दैट कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइदर टॉलनेस इन द प्लांट और डॉर्फनेस इन द प्लांट. अगर हम किसी भी प्लांट की अगर हाइट को लेते तो हाइट जो था उसमें क्या था या तो उस प्लांट की जो हाइट थी वो या टॉल होनी थी या फिर ड्वार्फ होनी थी. That means these are the two contrasting characters that are present in the plant. तो अगर हम example लेते हैं suppose this is the tall plant, ये tall plant है और उसको हम represent कर रहे हैं capital T से और this is the dwarf plant और उसको हम represent कर रहे हैं small t से. तो अगर हम tall का character ले रहे हैं या तो हम उसको capital TT लेंगे या फिर dwarf का तो small TT लेंगे. अब इनको अगर हम करते हैं तो एक character जो होगा tall का होगा और एक होगा तो दिस इज द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ द करेक्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स. तो इसमें जो थे या तो टॉल के करेक्टर कैपिटल टी टी होने थे ड्वार्फ के थे तो स्मॉल टी टी या फिर दोनों को मिलाकर एक करेक्टर जो था वो टॉल का और एक जो था वो स्मॉल टी का. तो अब इसमें क्या है कि जो हमारे करेक्टर्स जो आए वो ये आए कि या तो वो प्योर है या फिर हाइब्रिड है. अगर सेम करेक्टर्स हैं तो हम उसको क्या करेंगे प्योर कहेंगे या फिर मिक्सिंग करेक्टर्स है एक टॉल का है और एक ड्वार्फ का है दैट मींस एट दैट टाइम वो क्या कहलाएगा हाइब्रिड. और अगर सेम है तो वो क्या कहलाएंगे प्योर कहलाएंगे. सेकंड था लॉ ऑफ डोमिनेंस आउट ऑफ द टू कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स. अभी हमने दो कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स पढ़ लिए जिसमें हमने करेक्टर्स पढ़े या तो वो आइदर टॉल के पढ़े या आइदर ड्वार्फ के पढ़े. तो आउट ऑफ द टू कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स कंट्रोलिंग ईच करेक्टर अगर हम दो कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स दे रहे हैं तो उन दो कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स में आइदर या तो वो कंट्रोल करेंगे किस चीज को कंट्रोलिंग ईच करेक्टर वो एक ही करेक्टर को जो वो कंट्रोल करेंगे वन विल एक्सप्रेस इटसेल्फ दैट इज डोमिनेंट. उसमें से वो एक ही करेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें एक करेक्टर जो होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसको हम क्या कहेंगे डोमिनेंट और दूसरा जो होगा जो सुप्रेस हो जाएगा दैट विल बी रिसेसिव इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन. और वो रिसेसिव या सुप्रेस्ड कब होगा जब वो डोमिनेंट की प्रेजेंस में होगा. तो आउट ऑफ द टू कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स उसमें एक करेक्टर जो होगा विल एक्सप्रेस इटसेल्फ दैट इज द डोमिनेंट एंड दूसरा जो होगा दैट विल बी सुप्रेस्ड या रिसेसिव होगा और डोमिनेंट करेक्टर की प्रेजेंस में दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा सुप्रेस्ड या रिसेसिव. तो यहां पर अगर हम लेते हैं दिस इज द टॉल करेक्टर था दिस इज द ड्वार्फ के करेक्टर थे दिस इज द टॉल दिस इज द ड्वार्फ और दूसरा जो था वो एक टॉल का करेक्टर और एक ड्वार्फ का करेक्टर. तो ये जो थे इनमें से वन ऑफ द करेक्टर एक करेक्टर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. अगर ये करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है दैट मींस इट इज डोमिनेंट. दूसरा जो है वो अपने आप को अगर वो सुप्रेस्ड हो रहा है डोमिनेंट की प्रेजेंस में तो वो क्या कहलाएगा रिसेसिव. और अगर हमारा एक करेक्टर जो है टॉल का है और एक जो है ड्वार्फ का है तो वहां पर उस टाइम जो होगा हमारा वो कौन सा करेक्टर होगा वो डोमिनेंट कहलाएगा क्योंकि जो रिसेसिव का करेक्टर जो है जो ड्वार्फ है दैट इज रिसेसिव वो डोमिनेंट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा सुप्रेस हो जाएगा. तो उस टाइम जो हमारा करेक्टर होगा वो कौन सा शो करेगा करेक्टर दैट इज डोमिनेंट करेक्टर शो करेगा. जब वो डोमिनेंट की प्रेजेंस में आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट तो दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा सुप्रेस्ड हो जाएगा. तो जो ड्वार्फ करेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा सुप्रेस्ड हो जाएगा. तो उससे हमारा करेक्टर जो होगा वो क्या शो करेगा डोमिनेंट. थर्ड लॉ जो है दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इसको हम मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था इट स्टेट्स दैट टू जीन्स कंट्रोलिंग ईच करेक्टर. इसमें से दो जीन जो थे वो कंट्रोल करते थे टू जीन्स कंट्रोलिंग ईच करेक्टर. दो जीन जो थे वो कंट्रोल कर रहे थे ईच करेक्टर को सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि सेपरेट करना अलग करना. तो दैट मीन्स जो दो जीन्स थे जो कि कंट्रोल कर रहे थे ईच करेक्टर को दैट विल बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. और जब गैमेट की फॉर्मेशन हुई तो उस टाइम वो दोनों करेक्टर जो थे दैट विल बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. जैसे दिस इज सपोज टी सेपरेट हो गया स्मॉल टी ये भी सेपरेट हो गया टी कॉमा स्मॉल टी ये भी सेपरेट हो गया. तो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और द लॉ ऑफ मेंडल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसके अकॉर्डिंग क्या था इट स्टेट्स दैट द टू जीन्स कंट्रोलिंग ईच करेक्टर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. सो दिस इज द लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन और मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस.
So after that we will study about the process to explain it will cross the parental generation in order to see what possibilities of factors we can get in progeny. अब हम crosses के ऊपर जाएंगे कि crosses किस तरह से हम जस्टिफाई करते हैं. तो क्रॉस करने के लिए हमें क्या करना है, हम पेरेंटल जनरेशन का जो है जब हम क्रॉस करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट पॉसिबिलिटीज ऑफ करेक्टर्स वी कैन गेट इन प्रोजेनी, हम प्रोजेनी में कौन से करेक्टर्स को जो है वो जस्टिफाई करेंगे. तो लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्रॉस. इसके लिए हमें सबसे पहले क्रॉस का मीनिंग समझना पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस, क्रॉस होता क्या है. इट जस्ट रेफर्स टू मेटिंग ऑफ द पेरेंट्स. क्रॉस का मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पर सिर्फ एक मेटिंग है पेरेंट्स की. पेरेंट्स आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, मेट करेंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग्स. जब आप पेरेंट्स आपस में मेटिंग करेंगे या पेरेंट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो दैट मीन्स देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स. तो वहां पर जो फॉर्मेशन होगी वो किस चीज की होगी, ऑफस्प्रिंग्स. इन दीज क्रॉसेस वी विल गेट द ऑफस्प्रिंग्स. और यहाँ पर हम जो क्रॉसिंग के बाद जो हम क्या करेंगे, ऑफस्प्रिंग्स हमें मिलेगा पोजेसिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स. तो जैसे ही हम पेरेंट्स की जो मेटिंग करेंगे या उनको क्रॉसेस करेंगे तो उसके बाद हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा दैट मींस दैट ऑफस्प्रिंग्स विल बी ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर्स. तो हमारे पास मेनली जो है, सपोज अगर हम क्रॉसिंग करते हैं, दिस इज द टॉल प्लांट और दिस इज द ड्वार्फ प्लांट और द शॉर्ट प्लांट. तो टॉल प्लांट की जो कैरेक्टर्स है हमारे पास दैट इज द कैपिटल टीटी और जो ड्वार्फ के हैं दैट इज द स्मॉल टीटी. जब इनकी हम आपस में क्रॉसिंग करेंगे तो दैट मीन्स वन कैरेक्टर फ्रॉम द टॉल प्लांट एंड वन कैरेक्टर फ्रॉम द शॉर्ट प्लांट. तो दिस इज द F1 जनरेशन. इसी तरह से F2 जनरेशन होगी, F3 जनरेशन होगी, F4 जनरेशन होगी. तो यहां पर जो होगी वो क्रॉसेस होंगी डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन में. तो ऑलमोस्ट जो हमारी जनरेशन बनेगी तो वहां पर कुछ सिमिलैरिटीज तो होंगी बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द दीज जनरेशन. F1 जनरेशन मीन्स फर्स्ट फिलेरियल जनरेशन. नेक्स्ट देर आर टू टाइप्स ऑफ द क्रॉसेस. दो तरह के हमारे पास क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, इट इज दैट इन विच टू करेक्टर्स आर स्टडीड. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम दो करेक्टर्स को स्टडीड करेंगे एट अ टाइम, दैट इज नोन एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो ये जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने जस्टिफाई करना है कि दीज मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस वी कैन जस्टिफाई ओनली वन करेक्टर एट अ टाइम. तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक ही करेक्टर को हम स्टडी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम एक फीचर कंसिडर कर रहे हैं इस एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम एक जो इसका फीचर ले रहे हैं दैट इज द हाइट. हाइट हमने फीचर लिया है तो दिस इज द पेरेंट जनरेशन जहां पर हमने एक पहला करेक्टर जो लिया है पेरेंट्स का हाइट का दैट इज द कैपिटल टीटी. दिस इज द पेरेंट जनरेशन एंड दिस इज द टॉल पेरेंट्स. और दूसरी तरफ हमने स्मॉल टीटी लिया है, दीज आर द ड्वार्फ पेरेंट्स. और जब हम इनको सेग्रीगेट करेंगे तो ये गैमीट बनाएंगे, गैमीट T, कैपिटल TT और यहाँ पर स्मॉल t. तो ये गैमिट्स बने हैं, एक गैमिट्स बने हैं टॉल और दूसरे जो है ड्वार्फ. और जब ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो यहाँ पर ये एक करेक्टर जो होगा वो टॉल का आएगा, दूसरा जो होगा वो ड्वार्फ का आएगा. पर इसमें जो हमारी जनरेशन बनेगी दैट इज द ऑल आर टॉल. जितने के जितने होंगे वो सारे क्या होंगे, वो टॉल होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा फर्स्ट करेक्टर जो है दैट इज द कैपिटल टी और वो डोमिनेंट करेक्टर है. और जब डोमिनेंट करेक्टर होता है तो ऑटोमेटिकली जो रिसेसिव करेक्टर होता है वो क्या रहता है, सुप्रेस्ड हो जाता है. तो फीचर जो इसमें आते हैं वो किसके आते हैं, डोमिनेंट के. तो यहाँ पर जितने भी हमारे पेरेंट्स होंगे वो सारे जो बनेंगे ऑफस्प्रिंग्स हो गए ऑल आर टॉल. अगर हम इसकी क्रॉसिंग करते हैं तो दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. अगर हम इनको क्रॉसिंग करेंगे तो कैपिटल टीटी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. तो यहाँ पर ये जो हमारी जनरेशन बनी दिस इज द F2 जनरेशन दैट इज द सेकंड फिलेरियल जनरेशन. अब यहाँ पर जो हमारा रेशियो बना है वो किस चीज का है, अब कैपिटल टी के कितने हैं, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, कैपिटल टी स्मॉल टी 3 और स्मॉल टी के कितने हैं, 1 है. तो रेशियो जो बनी हमारी वो बनी 3:1 की. तो दिस इज हमारी जो रेशियो है वो क्रॉसेस जो है वो दो में हमारे शो करेंगे, फिनोटाइप और जीनोटाइप में. फिनोटाइप जो होता है दैट इज द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और जीनोटाइप जो होता है दैट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर जो हमारी फिजिकल जो हमारी फिनोटाइप में जो हमारी रेशियो शो कर रही है दैट इज द 3:1 और ये किसमें शो कर रही है, हमारी फिनोटाइप में. और अगर हम जीनोटाइप में देखते हैं तो दैट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो जीनोटाइप में हमारे कैपिटल टी के कितने हैं, 1,
वन रेशो और कैपिटल जी स्मॉल टी के कितने हैं वन टू तो वन रेशो टू और स्मॉल टी टी के कितने हैं वन. तो फिनोटाइप के केस में जो हमारी रेशियो बनी वो 3:1 की बनी और जीनोटाइप में जो बनी दैट इज 1:2:1. फिनोटाइप जो है दैट इज अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर एज जीनोटाइप जो दैट इज अ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस सेकेंड इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस. अब डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, अभी मोनोहाइब्रिड में हमने सिंगल करेक्टर को जो है वो कंसिडर किया था, सपोज हमने जैसे हाइट ली थी. Whereas in dihybrid cross, two characters are studied at a time. इसमें हम दो characters को at a time पर क्या करेंगे, studied करेंगे. तो इसमें ये cross इसमें हमने बनाया हुआ है. These are जो characters लिए हमने एक color के लिए और एक उसकी जो position है seeds की उसके लिए. तो हमारे पास जो color है seeds का एक yellow है जिसको हमने represent किया capital YY से और जो उसकी seed position है that is round capital RR. जबकि दूसरी तरफ हमारे जो है जो आग में जो है वो स्मॉल वाई वाई ग्रीन कलर और जो रिंकल्ड है दैट इज स्मॉल आर आर. जब इनके हम क्रॉसिंग करेंगे तो एक करेक्टर वाई कैपिटल का होगा एक कैपिटल आर का. एक आया हमारे पास येलो का करेक्टर और एक आ गया राउंड का ग्रीन रिंकल में. एक आया हमारे पास स्मॉल वाई ग्रीन का और एक आ गया हमारे पास स्मॉल आर रिंकल का. अब यहां पर ये हमारी एफ वन जनरेशन जो बनेगी तो ऑटोमेटिकली एक करेक्टर जो होगा हमारा येलो का होगा, दूसरा करेक्टर जो होगा वो ग्रीन का होगा, एक करेक्टर हमारा राउंड का होगा और एक रिंकल्ड का होगा. तो हमारी जो एफ1 जनरेशन बनी दैट इज येलो राउंड. कौन सी जनरेशन बनी, येलो राउंड. दिस इज द एफ1 जनरेशन. सो दिस इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस जहां पर हमारे दो करेक्टर जो होंगे एट ए टाइम इन्वॉल्व होंगे, जिसमें कि हमने एक कलर का लिया और एक सीड की पोजिशन का लिया. तो कलर में हमने जो लिया वो एक येलो और दूसरा ग्रीन का और जो हमने सीड की पोजिशन में लिया दैट इज राउंड एंड रिंकल्ड. So this is the dihybrid cross. The next important topic is that is the sex determination. किसी भी child का जो sex determine करना है, that means how can we determine the sex of the child. For determining the sex of any child, we have the concept that is the sex determination. It is the process where sex of the child is determined. ये एक ऐसी process है जिसमें कि हम किसी भी चाइल्ड का सेक्स जो है वो डिटरमाइंड करते हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द सेक्स डिटरमिनेशन. फॉर एग्जांपल दिस इज द फादर एंड दिस इज द मदर एंड दिस इज द पेरेंटल जनरेशन. तो फादर के जो करेक्टर है हमारे पास दैट इज एक्स वाई और जो मदर के हैं दैट इज एक्स एक्स. और जब हम उनको सेग्रीगेट करते हैं तो एक्स कॉमा वाई एंड एक्स कॉमा एक्स. तो जो अब पेरेंट्स होते हैं इसमें जो हमारे 22 पेयर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स के होते हैं प्लस वन पेयर जो होता है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम. वो क्या होता है, सेक्स होता है बोथ इन द मेल एज वेल एज इन द फीमेल. अगर मेल के कंसर्न है तो दैट इज 22 प्लस एक्स एक्स कितना रहता है 22 प्लस एक्स एक्स और फीमेल मेल का केस है तो 22 प्लस एक्स वाई. तो अगर हम इसमें क्रॉसिंग करते हैं तो दिस दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द मेल एक्स वाई एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द फीमेल एक्स एक्स. अगर हम इनकी क्रॉसिंग करते हैं तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स 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 मल्टीप्लाई एक्स 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 वाई मल्टीप्लाई एक्स एक्स वाई एंड वाई मल्टीप्लाई एक्स एक्स वाई. दैट मीन्स हमारे पास एक्स एक्स कितने हुए, टू आर द एक्स एक्स एंड टू आर द एक्स वाई. तो यहां पर अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे किसी भी चाइल्ड का सेक्स जो है, तो यहां पर हमारे पास 50% जो चांसेस हैं वो किस चीज के हैं, बेबी गर्ल के हैं और 50% चांसेस जो है वो बेबी बॉय के हैं. तो मतलब 50-50% जो चांसेस होंगे हमारे पास किस चीज के होंगे, बॉय और गर्ल के. 50% चांसेस जो होंगे वो बेबी गर्ल के होंगे, 50% चांसेस जो होंगे वो बेबी बॉय के होंगे. द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, किसी भी चाइल्ड का जो सेक्स है दैट इज डिटरमाइन डिपेंड्स अपॉन द फादर. किसी भी चाइल्ड का जो सेक्स है वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, फादर के ऊपर डिपेंड करता है. बिकॉज फादर प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैमेट्स, क्योंकि फादर जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स. वेयर एज अ मदर जो है वो प्रोड्यूस करती है सेम टाइप के गैमेट्स जो कि उसके क्या है एक्स एक्स. तो मदर जो होती है वो प्रोड्यूस सेम टाइप के गैमेट्स को करती है, फादर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स को एक्स वाई को. अगर वो
वाई गेमेट्स को प्रोड्यूस करता है तो मैक्सिमम चांसेस जो होंगे वो किसके होंगे, बेबी बॉय के। अगर वो एक्स गेमेट्स को प्रोड्यूस करता है तो चांसेस जो होंगे वो किस चीज के होंगे, बेबी गर्ल के। दैट मीन्स जो किसी भी चाइल्ड का जो सेक्स है वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, फादर के ऊपर, क्योंकि फादर जो होता है इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गेमेट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन वी शिफ्ट द न्यू टॉपिक दैट इज द एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन जो है वो किस तरह से हुआ, नई चीजें हुई, नई नई टेक्नोलॉजीज आई, किसी भी चीज का जो है वो एवोल्यूशन कैसे हुआ, उस चीज के लिए क्या है कि कुछ एक डेफिनेट जो होते हैं, एक एविडेंसेस होते हैं जिसके बिना पर हम कह सकते हैं कि वहां पर जो है वो एविडेंस एवोल्यूशन हुआ है। तो एवोल्यूशन जो है इट इज अ ग्रेजुअल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, यहां पर क्या होता है कि ग्रेजुअल सीक्वेंसेस होते हैं चेंजेस के लिए दैट टुक प्लेस ओवर इयर्स, और वो सालों पहले जो है वो साल लग जाते हैं उस एवोल्यूशन के लिए, दैट टुक प्लेस ओवर इयर्स एंड लेड टू ए डेवलपमेंट ऑफ द एंटायरली न्यू स्पीशीज। तो एवोल्यूशन जो है वो एक इस तरह की प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस होते हैं दैट टुक प्लेस ओवर ईयर्स, काफी साल लग जाते हैं उसके लिए, और उस सालों के बाद जो होते हैं दैट लीड टू द न्यू स्पीशीज, और वो उसके बाद किस चीज को लीड करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द एंटायरली न्यू स्पीशीज। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन। तो अगर हम इसमें छोटी सी उदाहरण लें तो पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो क्या थे, वो मंकीज थे, और वो अपने फोर लिम्स और हिंड लिम्स मतलब चारों पैरों के ऊपर चलते थे, तो वो हमारे क्या थे, एंसेस्टर थे। तो जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई तो उनके एंटायर जो ऑर्गन्स थे वो क्या हो गए, डेवलप होना शुरू हो गए, और डेवलप होने की वजह से उन्होंने क्या है कि मतलब वो हिंड लिम्स के ऊपर खड़ा होना शुरू कर दिया, फोर लिम्स जो थे उन्होंने उसे काम करने के लिए उनको यूज करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से एंटायर क्या हुआ कि वो एक एवोल्यूशन होता गया, और अल्टीमेटली एक लास्ट में जो एक स्टेज ऐसी आई कि एक फुली डेवलप जो था वो एक इंसान जो था या पर्सन जो था वो डेवलप हो गया। तो इस यहां पर हम कह सकते हैं कि देयर इज अ ग्रेजुअल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द एवोल्यूशन एंड दैट टुक प्लेस एंटायरली टू जनरेट अ न्यू स्पीशीज। तो इसके लिए कुछ अब हमें एविडेंस देखने पड़ेंगे जिस यहां पर हम ये कह सकते हैं कि नहीं वाकई ही जो है वो एवोल्यूशन हुआ है। तो हमारा पहला जो मेन इंपॉर्टेंट एविडेंस है रिगार्डिंग द एवोल्यूशन दैट इज द फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के जितने भी डेड रिमेन्स होंगे दैट गॉड बरीड अंडर द अर्थ, जो कि किस चीज के नीचे दब जाते हैं, अर्थ के नीचे दब जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स उसको लग जाते हैं, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, फॉसिल्स। द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स दैट गॉड बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले जो अर्थ के नीचे हमें डेड रिमेन्स मिलेंगे अर्थ प्लांट्स और एनिमल्स के, दैट इज नोन एज द फॉसिल्स। एंड जो स्टडी है फॉसिल्स की उसको हम क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई जो है वो एवोल्यूशन हुआ है, दैट मीन्स फॉसिल्स रिवील करते हैं ऑर्डर ऑफ द ओरिजिन। तो सबसे पहले जो एक ओरिजिन हुआ है इसका पर्सन ह्यूमन ये ऑर्गेनिज्म का, तो जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो था हमारा वो किस फॉर्म में था, प्रोटोजोन की फॉर्म में था, प्रोटोजोन से फिर वो एक फिशेस की फॉर्म में डेवलप हुआ दैट इज द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, और फिशेस के बाद जो उसमें एवोल्यूशन हुआ तो वो एम्फीबियंस के रूप में आए, और एम्फीबियंस आर दोज विच कैन लिव बोथ इन द वॉटर एज वेल एज ऑन द लैंड। एम्फीबियंस के बाद उनमें जो डेवलपमेंट हुई एवोल्यूशन हुआ दैट इज द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो थे वो टोटली दे लिव ऑन द लैंड, वो लैंड के ऊपर ही रहते थे, एंड आफ्टर द रेप्टाइल्स देयर इज द एवोल्यूशन ऑफ द बर्ड्स। बर्ड्स जो होते हैं दे कैन लिव बोथ ऑन द लैंड एज वेल एज इन द एयर, मतलब वो ट्रीज पर भी रहते हैं, हवा में भी उड़ते हैं, तो दीज आर ऑल्सो नोन एज द आर्बोरियल। और जो फाइनली जो एक फुली डेवलप जो हमारा एक न्यू स्पीशीज का जो ओरिजिन हुआ दैट इज द मैमल्स। तो हम फॉसिल्स के यहां पर ये कह सकते हैं कि किस तरह से जो है वो एवोल्यूशन हुआ, प्रोटोजोन से होता हुआ फिशेस, फिशेस से होता हुआ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से होता हुआ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से बर्ड्स, बर्ड्स से मैमल्स। सो दिस इज अब हमें फॉसिल्स की जैसे हमने स्टडी की तो फॉसिल्स की स्टडी के यहां पर हमें पता चला कि जो प्रोटोजोन से कैसे कैसे ओरिजिनेट होकर जो है वो एक मैमल्स के रूप में एवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट तो एक इंपॉर्टेंट जो हमारी एक एग्जाम्पल है फॉसिल्स से दैट इज द आर्कियोप्टेरिक्स।
आर्किपटेरिक्स क्या है? इट इज अ फॉसिल दैट रिजेंबल्स द वर्ड्स एज वेल एज द रेप्टाइल्स. ये एक ऐसा मतलब लिंक है जो किसके बीच में कनेक्शन जोड़ता है, रेप्टाइल्स और वर्ड्स के बीच में. वी कैन से दैट इट इज लिंक बिटवीन द वर्ड्स एंड द मैमल्स. सो दिस इज द आर्किपटेरिक्स. और आर्किपटेरिक्स जो है ये एक कॉमनली लिंक है इसका वर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में. नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट एविडेंस है एवोल्यूशन के कंसर्न में, दैट इज द होमोलोगस ऑर्गन्स. एंड होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच हैव द सेम स्ट्रक्चर. होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जिनका स्ट्रक्चर तो सेम है बट दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस. मतलब स्ट्रक्चर में वो सेम होंगे पर द फंक्शन इज टोटली डिफरेंट. दिस इज नोन एज द होमोलोगस ऑर्गन्स. तो इसमें हमारे स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो फोर लिम्स जो है वो मैन और काऊ के जो है दे आर ऑलमोस्ट सेम पर फंक्शन जो है उनके दैट आर टोटली डिफरेंट. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस रिगार्डिंग द एवोल्यूशन इज द वेस्टिजियल ऑर्गन्स. वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच वर फंक्शनल इन अवर एंसेस्टर्स. जो कि फंक्शनल है हमारे एंसेस्टर्स के साथ बट नाउ दे आर नॉट फंक्शनल. पर अब वो जो है वो फंक्शनल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल निटेटिंग मैम्ब्रेन, पिना मसल्स एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि राइट द नेम ऑफ द वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन मैन, दैट इज द निक्टेटिंग मैम्ब्रेन, पिना मसल्स एज वेल एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन्स. And the student's last topic of this chapter, that is the heredity and the evolution, is the Darwin theory. So, what is the Darwin's theory regarding the evolution? According to this, population is increasing day by day, but still the population rate is constant. Darwin theory ke according ye tha ki population jo hai wo day by day to badh rahi hai, but population rate jo hai wo still kya hai, constant hai. इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज स्ट्रगल फॉर फूड. जो इंडिविजुअल्स हैं सेम स्पीशीज के दे आर स्ट्रगल फॉर द फूड स्पेस एंड द मेट. दोज हु कैन स्ट्रगल, जो कि स्ट्रगल कर लेते हैं वो क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं. और जो स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं दैट मीन्स दे कैन एलिमिनेट, वो वहां से क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं. फेवरेबल फैक्टर्स जो होते हैं दे कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. जो उनके फेवरेबल करेक्टर्स होंगे वो पास करेंगे ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. एक्युमुलेशन ऑफ द न्यू करेक्टर्स लीड टू एवोल्यूशन. और जो नए करेक्टर्स की एक्युमुलेशन होगी दैट लीड्स टू द एवोल्यूशन. सो दिस इज द डार्विन्स थ्योरी एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज द हेरिडिटी एंड द एवोल्यूशन. एंड ऑल द कंसेप्ट्स आर टू बी डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल एंड द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज टू बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर.